बावल रोड स्थित भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष अरविंद यादव के कार्यालय में वीरवार को भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। बैठक में मौजूद केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत को इस पर सफाई देनी पड़ी। कहा कि यदि मेरी चलती तो टिकट बेटी को दिलाता। उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरह से कार्यकर्ता बोल रहे हैं यह पहले से योजना बनाकर किया गया है। वहीं प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि टिकट वितरण के बाद से ही पार्टी कार्यकर्ताओं में गुस्सा है। इंद्रजीत को पहले ही बता दिया गया था कि कार्यकर्ताओं की ओर से प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए आपको दिखाते हैं केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत क्या बोले। ये मेरा राजनीतिक अनुभव 40 साल का बोल रहा है। जो आज यहाँ पे तुमने किया है ना, तुम्हारे 40 साल की तुमने सिफारिश करी है, उसका नुकसान और चलो मैं आज के दिन अगर बड़ा हूँ, राजा नहीं हूँ, लोगों की भाग से बड़ा हूँ। आज तक लोगों ने मेरे को आशीर्वाद किया है, तो आज तक मैं भी हूँ। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ अरविंद भाई, आज के दिन पार्टी से नाता ना तोड़ो। आपको पता है कि पार्टी से नाता तोड़ने का क्या नतीजा होगा। कार्यकर्ता बंधु, एक भारत माता की, नरेंद्र मोदी की, मनोहर लाल खट्टर की, भारतीय जनता पार्टी की, सवालों का जवाब दिया। मैंने भी पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर जीवन लगाया है और जिस दिन मरूंगा मेरी अर्थी जाएगी, कोई पार्टी के झंडे के तल लिपट कर जाएगी, ये मेरा संकल्प है और ये पूरी पार्टी को करना है। राव साहब को ताकत दी लोकसभा के अंदर, मोदी जी के नाम पर राव साहब को ताकत दी, चलो पांचों आराम से। लेकिन राव साहब से जितने कार्यकर्ताओं के सवाल थे, राव साहब कार्यकर्ताओं के सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे। सुनील कुशल ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।